Hello children, how are you all? I hope you all are fine. I am your teacher Pooja Sahani with your book Grammar Glitter ODC by Brain Root series. और हम आ गए हैं chapter number 20 पर and the chapter number 20 is adverb. So children, do you know what is adverb? Adverb वो word होता है जो हमें verb के बारे में या फिर किसी adjective के बारे में और ज़्यादा बताता है. वो words होते हैं adverb. An adverb is a word which tell us more about a verb or an adjective. So चलिए देखते हैं इसके kinds. Okay, so we have types of adverb. Adverb is divided into different kinds. सबसे पहले हम समझते हैं adverb of manner को. So बच्चों, adverb of manner हमें ये बताता है कि जो कोई काम हुआ है, कोई भी action हुआ है, वो कैसे हुआ है. It gives the answer of question how. Okay, adverb that tell us how an action happens is called adverb of manner. जैसे we have example here, Soumya worked nicely. So Soumya ने काम किया, but how Soumya worked? Soumya worked nicely. So nicely is giving the answer of question how. Nicely हमें answer दे रहा है किस question word का? How का. यही इसे पहचानने का तरीका होता है. So next we have adverbs that tell when an action happens is called adverb of time. जो adverb हमें ये बताता है कि action कब हुआ था, वो होता है adverb of time. मतलब किस time हुआ था, कब हुआ था. So this adverb of time gives the answer of question word when. Okay, like example देखेंगे हम, I will go for shopping tomorrow. मैं कल shopping पर जाऊँगा. So when will I go for shopping? तो किसका answer मिल रहा है हमें tomorrow से? When का. So ये है adverb of time. Now we have adverb of place. Adverb that tells when, where an action happens. कि कोई जो action हुआ है वो कहाँ हुआ है, where. So ये होता है adverb of place. ये हमें आंसर देता है क्वेश्चन वर्ड वेयर का. जैसे दे आर हाइडिंग अपस्टेयर्स. कहाँ छुपे हैं वो? कहाँ छुपे हैं? अपस्टेयर्स. सो आंसर मिल रहा है हमें वेयर का. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, एडवर्ब दैट टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री. मतलब जो एक्शन होता है वो कितनी बार होता है. ऑलवेज, नेवर, ऑफन, बहुत बार, ऑलमोस्ट, राइट. तो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. जैसे कि आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ ट्वाइस. मैं हमेशा अपने टीथ दो बार ब्रश करता हूँ. तो हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी. ओके, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. मोस्ट एडवर्ब्स एंड विथ एल वाई. बहुत ज़्यादातर एडवर्ब्स जो होते हैं वो एंड होते हैं एल वाई से. ओके, लेट, नाउ, सून आर ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम द बॉक्स. हमें बॉक्स दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर फिल करना. एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कैसे. ओके, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज बिकॉज ही सैंग. कैसा गाया है? ही सैंग स्वीटली, राइट. तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्वीटली. तो ये हमें आंसर किस चीज़ का दे रहा है? कैसा गाया. ओके, ही एम्ड डैश एंड हिट द टारगेट. ही एम्ड डैश एक्यूरेटली. ओके, ही एम्ड डैश accurately and hit the target. He behaved dash with the student. So he behaved kindly. कैसा behave किया? Kindly with the student. Get out from the room, mother shouted angrily. कैसे चिल्लाई mother? Angrily, गुस्से से, right? चलिए, Rohan closed the door slowly. धीरे से बंद किया. So How did Rohan close the door? Rohan closed the door slowly, धीरे से. So ये भी हमें आंसर दे रहा है how का. The accident occurred because he drove carelessly, right? So हम यहाँ पर लिखेंगे carelessly. Okay? Who can answer this correctly?
कौन इसका आंसर ठीक दे सकता है, कैसा दे सकता है, ठीक दे सकता है। ओके सो ये है हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके इन सारे सेंटेंसेस में हमें आंसर मिल रहा है हाउ का। ओके सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सो वी गो अहेड, नाउ वी हैव बी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब। राइट टी फॉर टाइम एंड पी फॉर प्लेस। अब जो सेंटेंस हमें आंसर दे रहा है व्हेन का, उसके आगे हम लिखेंगे टाइम टी, और जो सेंटेंस हमें आंसर देगा किसी प्लेस का, वेयर का, उसके आगे हम लिखेंगे पी। ओके एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल हिल पर चले गए। सो क्या क्वेश्चन बनेगा, जैक एंड जिल कहाँ चले गए, वेयर। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। राइट, समझ में आ रहा है आपको। मॉम सेड माई आंट विल बी हेयर, कहाँ होंगी, यहाँ होंगी। सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। माई सिस्टर एंड आई कम लेट, मैं, मेरी सिस्टर और मैं लेट आए, कब आए, कब। सो यहाँ पर किसका आंसर मिल रहा है हमें, वेन का। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव बीन लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, का एवरीवेयर, कहाँ ढूंढ लिया, वेयर। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ आई शैल बिगिन माई जर्नी, अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा। सो कब करूँगा, नाउ। सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम। मिस्टर गोम्स डग अ पिट बैक साइड, मिस गोम्स ने डग अ पिट, एक गड्ढा खोदा, बैक साइड, पीछे की तरफ, कहाँ खोदा। सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बच्चों इसकी पहचान के लिए बस हमें इन सेंटेंस को क्वेश्चंस में बदल के देखने की ज़रूरत है। अगर हाउ आ रहा है देन दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन आ रहा है देन दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर आ रहा है तो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके चलिए आगे चलते हैं। नाउ rewrite the sentences by putting adverbs of degree in the right place. हमें इनको right place पर fill करना है। Their children don't eat fast food usually. अब हम usually को यहाँ पे लिखेंगे। Usually their children don't eat fast food. The student change room rarely. So the student change room, इसी के आगे हम लिख देंगे rarely. Okay, I met him at the party. I met him once, yahan aayega, I met him once at the party. He visits his mother regularly. So he visits his mother, yahin par likh deti hu main, he visits his mother regularly. Ab isko aapko apni notebook mein neatly रीराइट करना है इन सभी सेंटेंसेस को। मिस्टर स्मिथ कुक्स फॉर द फैमिली, मिस्टर स्मिथ ऑफन कुक्स फॉर द फैमिली। ही हैज डिसओबेड हिज पेरेंट्स, ही हैज नेवर डिसओबेड हिज पेरेंट्स। ओके सो चलिए आगे चलते हैं। यस This is provocation exercise children and this is de-exercise also. What kind of adverb? अब हमें बताना है what kind of adverb. यहाँ पर four pictures दी हुई हैं हमें, चलिए। The baby crawled inside. Baby अंदर, baby ने अंदर crawl किया. Okay, so कहाँ किया? Crawl. So किसका question answer आ रहा है? Where. कहाँ किया? Where. So baby crawled inside. So what kind of adverb? Where. इसका मतलब ये कौन सा है? Adverb of place. Adverb of place. Next we have I ran yesterday. मैं कल दौड़ा. कब दौड़ा? कल. So this is when. This is adverb of time. Okay? I won easily. मैं आसानी से जीता. I won easily. How I won? Easily. This is adverb of
मैनर. ओके, शी डग नियर बाय, उसने पास में ही खोदा. कहाँ खोदा? वेयर. सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, सो इस तरह से बच्चों हमें पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर की, टाइम की और प्लेस की. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. एक बार आप और फिर से चैप्टर को रीड करेंगे, गो थ्रू होंगे उससे, सो यू विल बी अंडरस्टैंड मोर इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.